राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं अपने जो लड्डू गोपाल जी के जो भक्त हैं उनके मन में अक्सर ये डाउट रहता है कि हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा उन दिनों किस तरीके से करते हैं जब हम अशुद्ध रहते हैं। और अक्सर क्या होता है कि जो लेडीज़ें सुबह नहीं उनकी सेवा कर पाती हैं, जिनके घर में बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं और पति लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं, तो वो उनको मॉर्निंग में उनको निपटाना पड़ता है वो काम। तो इस तरीके से वो लड्डू गोपाल जी की सेवा अच्छे से सुबह के मॉर्निंग में नहीं कर पाती हैं। तो अक्सर क्या होता है, लोग इस डर के हमारे लड्डू गोपाल जी को अपने घर में नहीं रखते हैं। तो आपको एक बात मैं सच बताती हूँ, जब आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर में ले आएंगे तो लड्डू गोपाल जी भी आपके ही रंग में रंग जाते हैं। तो वो उस तरीके से आपके अपनी सेवा इस तरीके से करवाएंगे जैसा आप चाहेंगे और जैसा वो चाहेंगे, वो आपके मन में उस तरीके के भाव आते रहेंगे। तो इस तरीके से आप कभी भी लड्डू गोपाल जी के प्रति ये भावना मत रखिए कि हाँ हम लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर पाएंगे तो हम लड्डू गोपाल जी को घर में नहीं ला सकते हैं। तो आप एक बार ला के देखिए, आपके जितने भी सारे डर है वो आपके डर सारे ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि मैं भी ऐसे ही डरती थी, लेकिन पर आज मुझे लड्डू गोपाल जी की सेवा करने में इतना आनंद आता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब उनके रंग में रंग गई। और इस तरीके से वो अपनी सेवा मुझसे करवाते हैं कि मैं कभी घबराती थी कि मैं ये कैसे करूँगी, बच्चे तो स्कूल जाते हैं, हस्बैंड तो यहाँ जाते हैं ऑफिस वगैरह, तो मैं कैसे करूँगी। लेकिन ऐसा इस तरीके से कुछ नहीं है। आप देखिए, भगवान हैं वो अपने भक्त की परीक्षा तो लेते ही हैं, और वो आपके भाव के भूखे हैं, ना कि आप ये वो ये नहीं देखते हैं कि आप उनकी पूजा सुबह 3 बजे 4 बजे 5 बजे करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर जब भी आपके बच्चे अगर स्कूल जा रहे 7 बजे, तो आप अपने बच्चों को स्कूल वगैरह भेज कर अच्छे से, पति लोग हैं जो 8-9 बजे तक ऑफिस वगैरह जाके, क्योंकि पूजा हमेशा एकदम शांति मन से ही करनी चाहिए। तब आप क्या करिए, तब आप आराम से नहा धोकर, या फिर अगर आप नहाए हैं सुबह तो कोई बात नहीं है, और अगर नहीं नहाए धोए तो आप अच्छे से झाड़ू पोछा वगैरह करके नहा धोकर आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपका टाइम क्या कहते हैं 10-11 बज जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ। और सुनती तो सबकी हूँ कि आज अरे मैंने इतने बजे कर लिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपके पास जैसा समय है, जैसा आपका टाइम है, उस तरीके से आप उनकी सेवा कर सकते हैं। तो इसमें भगवान जी ये नहीं देखते हैं कि आप मेरी पूजा 7 बजे या 5 बजे करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आप कभी भी लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से मत सोचिएगा कि हमको लड्डू गोपाल जी मतलब पनिशमेंट देंगे, या फिर मुझसे कोई बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। ये सब भाव आप मन में बिल्कुल मत ले आइए, क्योंकि हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं वो बाल स्वरूप हैं, और वो मतलब कभी अपने भक्तों का भाव देखते हैं, ना कि उनके साथ वो ऐसा कभी करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आप क्या करें, आप जब भी सुबह जैसे नहीं कर पाते हैं तो आप अपने जो आपका बच्चा है या आपके जो हस्बैंड है, आप उनसे कह दीजिए आप लड्डू गोपाल जी को वो उठा दे, उनको पानी वगैरह आप उन्हीं के हाथों से दिलवा दीजिए, और दूध वगैरह जो होता है वो आप आराम से आप लड्डू गोपाल जी को दे दीजिए। फिर उसके बाद क्या होता है, आप लड्डू गोपाल जी की सेवा जब वो लोग चले जाएँ तब आप आराम से इत्मीनान होकर शांति मन से आप अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा आराम से कर सकते हैं। आप भोग वगैरह जो प्रसाद वगैरह होता है अगर आपने नहाकर बनाया है तो आप उनके लिए पहले से निकाल के रख लीजिए, तब जब आप उनको नहलाइएगा पूजा पाठ करिएगा तब आप उस भोग को उनको आप अर्पण कर सकते हैं। और अगर आपने बिना नहाए बनाया है नाश्ता पानी तो आप उनको अर्पण मत करिएगा, क्योंकि हमारे भगवान जी बिना नहाए मतलब भोजन नहीं ग्रहण करते हैं। लेकिन ये तो भाव है, लेकिन कुछ एक कहानी है कर्मा बाई को तो आप लोग जानते ही हैं, तो ऐसा नहीं है, आपके भाव भगवान देखते हैं। और फिर उसके बाद आप उनको दूध जल ये सब अपने जो आपका बेटा है या आपके जो हस्बैंड है आप उनसे लड्डू गोपाल जी को दिला दीजिए, फिर आप शांति मन से पूजा करिए। और अब बात आती है कि क्या हम कपड़े जो टॉयलेट वगैरह होता है जब हम जाते हैं तो क्या हम नहाकर उनको छू सकते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप टॉयलेट जाते हैं तो आप पानी लेके जाइए, और फिर उसके बाद आप 4 बार कुल्ला कर लीजिए, और अपने हाथ पैर को अच्छे से धुल लीजिए, और अपने जल को थोड़ा सा सर पर छिड़क लीजिए, तो इससे आप शुद्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पॉटी वगैरह जाते हैं
तो आप तब आपको स्नान करना पड़ेगा। और अगर आप ये सोचते हैं कि हम कपड़े क्या वही फिर से पहन ले, तो ऐसा नहीं। अगर आपके कपड़े अशुद्ध हो गए हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका शरीर भी अब अशुद्ध हो चुका है। तो इसलिए आप जब भी अगर पॉटी वगैरह जाते हैं तो आप नहा धोकर ही लड्डू गोपाल जी को स्पर्श करिए। और अगर टॉयलेट जाते हैं तो आप इस तरीके से जैसे मैंने बताया, चार बार कुल्ला करके हाथ पैर धुल के और सर पर थोड़ा सा जल का छिड़काव करके आप उस तरीके से भी अपने लड्डू गोपाल जी को स्पर्श कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम पीरियड के दिनों में लड्डू गोपाल जी की सेवा किस तरीके से करें। तो इसके लिए भी बहुत ही बढ़िया सा उपाय है। अगर आपके घर में कोई नहीं है तो आप जैसा कि जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी के पास आप चार, जिसे जिसका पीरियड रहता है, किसी का 3 दिन, किसी का 4 दिन, 5 दिन, तो आप इस तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी के पास थोड़े से ड्राई फ्रूट वगैरह या फिर जो फल होते हैं वो जो सूखे ना 1-2 दिन, तो आप उसको मतलब अपने लड्डू गोपाल जी के पास रख दीजिए। पानी अच्छे से घड़े में या फिर किसी बर्तन में, लोटे वगैरह में करके रख दीजिए ढककर। तो लड्डू गोपाल जी हमारे उसको अपने आप कह दीजिएगा, आप 4 दिन तक भगवान मैं आपको नहीं, आप यही से अपना काम चलाइएगा। तो हमारे भगवान जी है तो बहुत दयालु, तो इसके लिए कोई भी आप मन में ये मत शंका रखिए कि हम ये नहीं कर पा रहे तो लड्डू गोपाल जैसा वैसा कुछ भी मन में ये भाव तो आप लाइए ही मत। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपके घर में आपका बेटा है या आपके पति है, अगर आपके पति सेवा नहीं कर पाते हैं, अगर आपका बेटा है तो अपने बेटे को या बेटी को अपने मतलब लड्डू गोपाल जी की सेवा करना थोड़ा थोड़ा सिखाइए, ताकि इन दिनों वो अच्छे से सेवा कर सके। तो मेरा बेटा जो है वो लड्डू गोपाल जी की सेवा मेरे अशुद्धियों के दिन बहुत अच्छे से करता है, और कभी मैं आपको उसका पूरा फुल वीडियो भी दिखा कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करता है इन दिनों 4 या 5 दिन। तो इसी तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं, इसमें कोई भी नहीं। अभी मेरा बेटा छोटा है तो मैं क्या करती हूँ, अब वो जैसे दूध वगैरह हो गया या कुछ सामान जैसे वो नहीं निकाल पा रहा है, वो नहीं ले पा रहा है, तो उसके लिए मुझे भगवान जी से माफ़ी मांग कर मैं देना ही पड़ता है, क्योंकि भगवान सब समझते हैं, सब जानते हैं। और इसके लिए कोई ये मन में भाव मत रखिए। और क्या कहते हैं, अगर आपके अगल बगल अड़ोस पड़ोस या आपके कोई रिश्तेदार वगैरह हैं जो लड्डू गोपाल जी की सेवा अच्छे से कर सकते हैं, तो आप उनके यहाँ भी अपने लड्डू गोपाल जी को भी दे सकते हैं 4 या 5 दिन के लिए, या बाहर जा रहे तो भी आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत ही दयालु हैं। तो आप ये मन में कभी आशंका मत लाइएगा कि हम लड्डू गोपाल जी हमारे गुस्सा ना हो जाएं इस तरीके से, तो ये चीज़ बिल्कुल भी मन में मत लाइएगा। और आखिरी बात मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप लड्डू गोपाल जी को बाहर कहीं जाते हैं छोड़कर, तो आप उनसे एक बात ये ज़रूर कहकर जाइएगा कि मैं अभी आ रही हूँ लड्डू गोपाल जी। तब से आप अपना और अपने इस घर का अच्छे से ख्याल रखिएगा। मैं बस जितने घंटे के लिए या फिर जितनी देर के लिए आप जा रहे हैं, तब तक आप उनसे इस तरीके से कहकर ही जाइए। तब से आप अपना और अपने इस घर का, मेरा नहीं, आप उनसे ये कहिएगा ये आपका है, तो ये आप अपना और अपने घर का ध्यान रखिएगा।